सो हेलो एवरी वन, दिस इज मी एना। तो आज हम लोग अगेन देखने वाले हैं व्हाट इफ गोकू वॉज द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 16। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अकुमो ने राइकॉन नाम के एक लेजेंडरी सैयन को रिवाइव कर दिया है और यामुशी के बारे में भी हमें काफी कुछ देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या दिखाया जाता है और क्या क्या ट्विस्ट अगेन हमें देखने को मिलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि अकुमो जुनो की बात सुनने के बाद वहाँ से ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उधर गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन गैप को ढूंढने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ये कैसे करें। वेजिटा गोकू से कहता है, हे क्या क्या रॉड, क्या हम सब कुछ पहले की तरह ठीक कर पाएंगे? क्योंकि हम पर बार बार एक पे एक कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती है, लेकिन इस बार ये मुसीबत कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें कभी अकुमो का सामना करना पड़ेगा। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं इस बात को भलीभांति जानता हूँ वेजिटा कि वो अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके यामोशी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद वेजिटा कहता है, नहीं क्या करोट, तुम मेरी बात पूरी तरीके से नहीं समझ रहे हो कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके बाद गोगो कहता है, ठीक है बोलो वेजिटा, तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद वेजिटा गोगो से कहता है, तुम नहीं जानते क्या कैकरोट, अगर अकुमो ने अपने 12 लेजेंडरी वॉरियर को जिंदा कर लिया तो हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं होगी उसे हराने के लिए। इसके बाद गोगो कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है वेजिटा, क्या तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकरोट, तुम अकुमो के 12 लेजेंडरी सैयन की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि अगर वो 12 के 12 जिंदा हो गए तो वो लोग क्या तबाही मचा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उन्हें हराने वाला कोई नहीं होगा और उन लोगों में रहम जैसी कोई भी चीज नहीं है। वो सभी के सभी लेजेंडरी सैयन्स बहुत ही ज्यादा निर्दयी हैं। उनके लिए किसी की भी जान लेना या किसी भी प्लेनेट को तबाह करना ये बहुत ही आम बात है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो वेजिटा, हम उन्हें जरूर हराएंगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम सच में पागल हो, मैं यहाँ पर फ्रीजा सेल या फिर जामासु जैसे विलन की बात नहीं कर रहा, तुम नहीं जानते ये तो बस शुरुआत है। उन सभी लेजेंडरी सैयन्स की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से दो हैं जो कि अकुमो के खास हैं, जिसको जिंदा करने के लिए अकुमो कुछ भी करेगा। मुझे पता है कि वो आसान नहीं है, लेकिन वो ये करके रहेगा। अगर वो दोनों को अकुमो ने जिंदा कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अकुमो को नहीं हरा पाएगी। गोकू वेजिटा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, वेजिटा मुझे याद आ गया, ग्रैंड प्रिस्ट ने मरते वक्त हमसे ये कहा था कि वो मेरे जरिए अपने खास सैयन्स को जिंदा करना चाहता है। मैं अब पूरी तरीके से समझ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, जब यामोशी लड़ा था अकुमो के खिलाफ तो उसने लगभग सभी सैयन्स को हरा दिया था जो ओजारू फॉर्म में थे, अपने कुछ दोस्तों की मदद से, जिनकी वजह से वो सुपर सैयन गॉड बन गया और उसने सभी ओजारू का सामना किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही हमें मास्टर सुनो ने ये बताया कि यामोशी अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है और वो जिंदा है, और यामोशी के जो 5 प्योर हार्ट सैयन दोस्त थे वो मारे गए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन 5 सैयन को कौन मार सकता है और आखिर कैसे, क्योंकि अकुमो वहाँ पर नहीं था और किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन 5 को हरा पाए, तो आखिर वो कैसे मर सकते हैं? क्योंकि अगर उन्हें अकुमो ने नहीं मारा तो वो आखिर मरे कैसे, किसमें इतनी ताकत थी जिसने उन 5 को हरा दिया, ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद फिर गोकू कहता है, हे वेजिटा, जैसा तुम कह रहे हो कि वो 5 सैयन्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो हो सकता है अकुमो के कोई वॉरियर ने मारा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अकुमो के 12 लेजेंडरी सैयन्स में से उनमें से ही कोई होगा जिसने कि उन 5 को मारा होगा। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, नहीं क्या कैरोट, अकुमो के लेजेंडरी सैयन्स उस वक्त तक नहीं थे, मुझे नहीं पता कि आखिर इन सब के पीछे क्या है और ये सब आखिर किसने किया था, लेकिन जल्दी हमें सब कुछ पता लगाना होगा। यहाँ बहुत सारी पहेलियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास इन सभी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, हमें ये हर हाल में करना होगा। इसके बाद गोकू कहता है, कुछ भी क्यों ना हो वेजिटा, हमने आने वाली हर प्रॉब्लम का सामना किया है
और हम इस बार भी इस प्रॉब्लम का सामना मिलकर कर लेंगे। वेजिटा गोकू की ये बात सुनकर कहता है, मुझे वाकई में अभी भी यकीन नहीं होता कैकेरोट, तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी इतनी आराम से कैसे बात कर कैसे सकते बात हो? कर मैंने सकते तुम्हारे हो? जैसा कभी भी किसी को नहीं देखा। Exactly. लेकिन जो भी हो, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। कुछ भी नहीं कहता और बस हंसने लगता है। वेजिटा मन ही मन कहता है, शायद मुझे भी इतना नहीं सोचना चाहिए। हमने हर बार कई मुसीबत का सामना किया है और उससे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता हर बार निकाला है, तो इस बार भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो बहुत ही तेजी से सुपर ड्रैगन बॉस को पाने के लिए सीधा जालमा के पास जा रहा था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइकोन वापस उन सभी एंजल्स के पास जाता है और उन सभी से कहता है, हेलो, तो मैं वापस आ गया, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? What a voice. लगता है मुझे शायद आने में थोड़ी देर हो गई। सभी के सभी एंजल्स काफी डरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि राइकोन को अकेला देखकर विश राइकोन से पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, मार्गरेटा कहाँ है? इसके बाद राइकोन कहता है, ओप्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, मार्गरेटा को मैंने मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वो सभी एंजल्स सहम जाते हैं। विश राइकोन से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक एंजल को कैसे मार सकते हो? इसके बाद राइकोन कहता है, मैंने उसे मार दिया है क्योंकि उसने मुझसे बहस की थी, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी और वहाँ के लोग भी मुझसे बहस कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उसके पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दिया। उसकी ये बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उनमें से एक एंजल कहती है, शांत हो जाओ विश, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। इसके बाद राइकोन विश से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा विश, तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वैसे भी मैं एक दिन के अंदर दो एंजल को नहीं मारना चाहता, लेकिन तुमने मुझसे बहस की तो मैं तुम्हें भी मारने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इसके बाद विश उसकी ये बात सुन के बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर वो उससे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद फिर राइकोन कहता है, बहुत बढ़िया, वैसे विश मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम यूनिवर्स 7 के एंजल हो ना? इसके बाद विश कहता है, हाँ मैं यूनिवर्स 7 का एंजल हूँ। ओह, मैंने बिल्कुल सही सोचा था क्योंकि मैं अब यूनिवर्स 7 में ही जाने वाला हूँ। देखता हूँ, अगर मेरा मूड ठीक रहा तो मैं शायद उसे बख्श दूँ, लेकिन वहाँ भी अगर मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे यूनिवर्स 7 के सारे प्लैनेट्स को खत्म कर दूंगा। विश तो ठीक है, विश मुझे अब देर हो रही है, तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं अब चलता हूँ और बहुत ही जल्द तुम सबसे मैं वापस मिलूंगा एंजल्स। राइकोन ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एंजल के सामने से चला जाता है और वो सभी एंजल्स बस राइकोन को देखते रहते हैं। उधर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा को एक अजीब सी लेकिन काफी ताकतवर एनर्जी का आभास होता है और वो उस तरफ जाने लगते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकेरोट, क्या तुम ये देख रहे हो, आखिर ये कौन हो सकता है, कहीं ये यामोशी तो नहीं? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, ये यामोशी नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ, मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर चुका हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन ये कौन है मैं समझ नहीं पा रहा। और उधर हम देखते हैं कि अकुमो आखिरकार ड्रैगन बॉल को ढूंढते हुए जालमा के किले के पास पहुंच जाता है और वो जालमा के किले के पास पहुंचकर कहता है, तो आखिरकार जालमा यहीं पर रहता है, सारे ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जालमा के किले के सामने खड़ा होकर कहता है, हे जालमा, मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए और वो तुम शांति से मुझे दे दो, वरना मुझे उसे लेने के और भी तरीके आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जालमा अकुमो से कहता है, अकुमो, सभी साइंस के पिता, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सभी साइंस को जिंदा करके अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो, तुम्हारे इरादे गलत नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत ज्यादा गलत है, तुम इस तरीके से सबको खत्म करके ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अकुमो जालमा से कहता है, मुझे तुम मत बताओ कि मुझे अपना साम्राज्य कैसे बनाना है, वो मैं खुद कर लूंगा, मुझे बस सुपर ड्रैगन बॉस चाहिए और वो तुम मुझे शांति से दे दो, वरना मैं तुम्हें मार कर वो ले जाऊंगा। इसके बाद फिर जालमा कहता है, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते और ना ही तुम मुझे हरा पाओगे, क्योंकि इन सभी का रचनाकार मैं ही हूँ और मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं बना, और तुम चाहकर भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरा काम है सिर्फ ड्रैगन बॉल को क्रिएट करना, मुझे लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है,
मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी ब्रह्मांड में और उनके प्लैनेट्स पे ड्रैगन बॉल्स की जिम्मेदारी सभी को दूं। और मैंने सुपर ड्रैगन बॉल्स की जिम्मेदारी ग्रैंड प्रीस्ट को दी थी, लेकिन तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया। इसलिए वो सारे सुपर ड्रैगन बॉल मेरे पास आ गए हैं। अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम ड्रैगन बॉल को संभाल पाओगे। तुम अच्छे हो या बुरे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरे ड्रैगन बॉल के रक्षक को हरा दिया तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इसके बाद फिर लॉर्ड जालिमा अकुमो से कहता है, तुम्हें मेरे ड्रैगन बॉल के रक्षक को हराना होगा। ठीक है, वो जो भी है मैं तैयार हूँ, उसे मेरे सामने लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस अजीब सी ताकत का पीछा करते हुए वहाँ तक आखिरकार पहुँच जाते हैं। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, हे कैकेरोट, ये ताकत यहीं से आ रही है। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा सामने देखो, आखिर ये कौन है। वेजिटा भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम भी एक सैयन हो। और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रूली होता है। और तभी हम देखते हैं कि हमें रायकोन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्स 7 में आ चुका था और उसे अचानक से ब्रूली की एनर्जी महसूस हो जाती है। और वो कहता है, वाह क्या बात है, लगता है यहाँ पर कोई है जो कि काफी ताकतवर है। लेकिन रुको जरा, ये एक नहीं, ये तो तीन है। तीन है। बात है, ये तो बहुत मजेदार है। तुम लोग जो भी हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओ माय गॉड, लाइक लिटरली ओ माय गॉड, एक और ट्विस्ट आ गया। ब्रोली भी है और ब्रोली भी इस सीरीज का हिस्सा है। अब काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आई थिंक अब अगले एपिसोड में इसका वॉर दिखाया जाएगा, लाइक अकुमो और गॉड जालिमा ने जिसके साथ वॉर के लिए अकुमो को बोला है कि जो रक्षक है सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स का, उसके साथ फाइट करनी है। तो अब शायद नेक्स्ट एपिसोड में हमें फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई फाइट देखी नहीं है 5 एपिसोड से। तो अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि अगले एपिसोड में थोड़ा बहुत ही बट एटलीस्ट फाइट देखने को मिलेगी। काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। बस अब कल का इंतजार है, अगले एपिसोड का इंतजार है। तुम लोग इसी तरीके से वेट करते रहो। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि कल का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है गाइस। सो वेट करते रहो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।